तो यहाँ जी हम बना रहे हैं गोश्त की कढ़ाई। गोश्त की कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो गोश्त। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और यहाँ पे मैंने 2-3 तेज पत्ते डाल दिए हैं। 5 से 6 अदर मैंने काली मिर्च डाल दी है। यहाँ पे है ये दालचीनी, तो ये इसके अंदर डालिए दालचीनी दालचीनी डालने के बाद अभी हम इसको चढ़ाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने गोश्त जो है वो बॉईल कर दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने 3 अदर प्याज लिए हैं जो मैं ब्राउन करूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर रखे हुए 5 अदर और ये थोड़े से लहसुन रखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये ब्राउन करके फिर मैं बनती हूँ। तो ये देखिए जी प्याज अभी तकरीबन ब्राउन होने वाला है, ठीक है जी। इसके अंदर चाहिए थोड़े लहसुन डालूँगी, साथ में ही डालूंगी जी टमाटर, तो साथ में जी कुकर की सीटी भी बजनी शुरू हो गई है। तो प्याज ये देखिए जी जो मैंने तड़का तैयार किया था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसको अब हम इसमें नमक मिर्च मसाला डालते हैं। तो यहाँ पे है हमारे सारे नमक मिर्च, ये जी लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, जीरा, सूखा धनिया, हल्दी है नमक। तो ये सारे डब्बे में डाल दिए। तो ये देखते हैं अभी तो मसाले की बनाई हो ही रही है, ठीक है जी। यहाँ पर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और मुझे इस टाइम बहुत जल्दी है क्योंकि मेरा खाना तैयार करना है, 8 बजे का टाइम हो गया है। भूख सब्जी इसकी बनाई हो जाती है तो मैं इसके बाद आपको। तो ये देखें जी मैंने गोश्त जो है वो डाल दिया हुआ है और गोश्त की बनाई करके उसके बाद आपको बनाएंगे। ये देखें जी जो यखनी बची थी वो भी डाल दी, गोश्त भी डाल दिया है और अभी बस ये डन होने वाला है, 10 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी हमारी गोश्त की कढ़ाई बिल्कुल डन होने वाली है और यहाँ साथ मैंने तवा भी रख दिया है क्योंकि रोटी बनानी है। यहाँ पर आटा वगैरह सब कुछ निकाल दिया हुआ है, बहुत जल्दी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि आज हमारा खाना बहुत लेट हो चुका है। हाँ जी।